आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मुंह की छालों में तुरंत राहत के लिए क्या करें और मुंह में छाले हैं बहुत ज्यादा तो उसको परमानेंटली कैसे ठीक करें। मुंह के छाले एक कॉमन समस्या है। इसका दर्द जो होता है वो बहुत ही असहनीय होता है। जब भी आप खाना खाते हो या पानी पीते हो या फिर बोलते हो उस टाइम बहुत तेज दर्द होता है और इस दर्द को सिर्फ वही समझ सकता है जिसको मुंह में बार बार छाले होते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रजनी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मुंह के छालों में तुरंत राहत के लिए क्या करें और मुंह में छाले हैं बहुत ज्यादा तो उसको परमानेंटली कैसे ठीक करें ताकि वो मुंह में बार बार ना हो फिर से। तो इसके लिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है आपसे छूट ना जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वैसे तो ये मुंह के छाले अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। हमारे मुंह में जो लार या सलाइवा होता है उससे ये छाले अपने आप ही ठीक होने लग जाते हैं। किसी किसी के अंदर 4 से 5 दिन लग जाते हैं तो किसी में 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको जो छाले हुए हैं वो किन कारणों से हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मुंह के छाले हैं वो किन किन कारणों से हो सकते हैं। नंबर वन, अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है बार बार और या तो आपके पेट में गर्मी हो गई है तो इस वजह से भी कॉमनली ये मुंह में छाले हो जाते हैं। नंबर टू, महिलाओं के अंदर जब हॉर्मोनल चेंजेस आते हैं जैसे कि जब उन्हें पीरियड्स या फिर महीना आया हुआ है या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो उस टाइम पे जो है महिलाओं में इस तरह के छाले देखने को मिलते हैं। नंबर थ्री, अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से आपको पेट में गर्मी हो रही है तो उस वजह से भी मुंह में छाले हो जाते हैं। नंबर फोर, अगर आप बहुत तीखा खाना खाते हैं तो उस वजह से भी आपको मुंह में छाले हो सकते हैं। नंबर फाइव, अगर आप मुंह में डेंचर पहनते हैं तो उसकी वजह से आपके मसूड़ों पर दबाव पड़ सकता है या फिर गाल के हिस्से को या मसूड़ों के हिस्सों को जो है वो डैमेज करता है अगर वो प्रॉपरली फिट नहीं है तो उस वजह से भी मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। नंबर सिक्स, अगर आपके मुंह में कोई भी दांत जो है वो किसी वजह से टूट गया है और उसका हिस्सा नुकीला हो गया है तो वो जो हिस्सा नुकीला है वो आपकी जीभ को या फिर मसूड़ों को या फिर गाल के किसी हिस्से को जो है वो बार बार इरिटेट करेगा जिस वजह से क्या होगा कि आपके मुंह में इस तरह के छाले हो जाएंगे उस जगह पर। अब बात करते हैं इंस्टेंट या फिर कुछ ही घंटों में जो छाले हैं वो कैसे ठीक करें। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होम रेमेडीज। नंबर वन, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मार्केट में इजिली अवेलेबल होता है। ये छोटे छोटे ब्लू रंग के क्रिस्टल टाइप टुकड़े होते हैं, ठीक है। आपको उसे ले लेना है और उसको पीस करके एक फाइन पाउडर जैसा बना देना है। फिर उसके बाद आपको मुंह में जहां जहां छाले हुए हैं वहां लगा करके इस तरीके से मुंह करके रखना है, अंदर की तरफ उसे बिल्कुल भी नहीं निकलना है ताकि ये आपकी लार और सलाइवा के साथ जो है वो नीचे की तरफ गिरता रहे, इसे बिल्कुल भी अंदर ना निकले। इससे आपको छालों में तुरंत राहत मिलेगी, कुछ ही घंटों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन ध्यान आपको सिर्फ यही रखना है कि इसको आपको बिल्कुल भी अंदर नहीं निकलना है, इसे बाहर की तरफ लार के साथ टपकने देना है। और बच्चों को तो इसे बिल्कुल भी यूज ना करने दें क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इसे अंदर निकलना है या फिर थूक देना है और थूकना है तो किस टाइम थूकना है। और इस होम रेमेडी को आप जो है दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं और इसे लगा करके आपको लगभग 2 मिनट के लिए रखना है। नंबर टू, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन तो आप सभी जानते होंगे, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, उसे ले लीजिए, ठीक है। फिर उसे अपने छालों पर जहां जहां आपके मुंह में छाले हुए, जीभ पर, गाल पर या फिर मसूड़े पे जहां भी हुए हैं वहां आप उसे लगा करके नीचे की तरफ मुंह करके रखना है और नीचे की तरफ जो है सलाइवा या लार के साथ उसे टपकने देना है, अंदर की तरफ नहीं लेना है। इसे आप लगभग 5 मिनट तक लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है, और नीचे की तरफ टपकने दीजिए। कुछ ही घंटों में आप देखेंगे कि आपके छाले बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इसको आप दिन में लगभग 2 से 3 बार कर सकते हैं और आपको जल्दी ही राहत मिल जाएगी। अब बात करते हैं परमानेंटली
ये जो मुंह में छाले हुए हैं उन्हें कैसे ठीक करें ताकि ये आपके मुंह में बार बार ना हो। नंबर वन, आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले 1 से 2 दिन की फास्टिंग करनी है। मतलब कि आपको जो खाना नहीं खाना है, सिर्फ आपको फ्रूट्स, कुछ फल खाने हैं या फ्रूट जूस लेना है, खाना नहीं खाना है। इससे क्या होगा कि आपके छाले जो हैं वो बहुत जल्दी ठीक होंगे। अगर आप खाना खाना कंटिन्यू करेंगे तो उससे क्या होगा कि तीखा खाना होगा, कुछ मसाले होंगे ही उसके अंदर, तो उस वजह से क्या है, वो छाले और इरिटेट होंगे, वो जल्दी ठीक नहीं होंगे, बजाय इसके और ज्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर टू, आपको आपके खाने में प्रोबायोटिक लेने हैं और ये प्रोबायोटिक आपको दही में से मिलते हैं, तो आपको सुबह शाम जो है 1-1 कटोरी दही खाना है। इससे आपके छाले तो ठीक होंगे ही, साथ ही साथ आपके जो पेट में गर्मी है वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए आपको रेगुलरली अपनी डाइट में जो है दही को इंक्लूड करना चाहिए। नंबर थ्री, आपको क्या करना है, 1 ग्लास गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर 1/2 चम्मच नमक डाल करके कुल्ले करने हैं। ये कुल्ले जो है आपको दिन में 3 से 4 बार करने हैं। जितने ज्यादा कुल्ले करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, छालों के अंदर उतने ही जल्दी ठीक होंगे और आपको राहत मिलेगी। नंबर फाइव, हनी या शहद जो है आप लीजिए, डायरेक्टली अपने छालों पर लगाइए जहां जहां मुंह में आपके छाले हुए हैं, और उस शहद को जो है आपको लगा करके लार या सलाइवा के साथ नीचे की तरफ मुंह करके उसे नीचे टपकने देना है, अंदर की तरफ नहीं लेना है। ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं और आप देखेंगे 2 से 3 दिन में आपके जो जितने भी छाले हुए हैं वो पूरी तरह से परमानेंटली ठीक हो जाएंगे और आगे होने की संभावना भी कम हो जाएगी। नंबर सिक्स, ऑर्गेनिक हल्दी तो आप सभी जानते ही होंगे। आपको ऑर्गेनिक हल्दी का पाउडर लेना है, लगभग 1 चम्मच। उसके अंदर आपको प्योर कोकोनट ऑयल की 7-8 बूंदे जो है वो लेनी है, फिर उसे अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को आपको अपने छालों पर लगाना है, इसे लगा करके लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद जो है सादे पानी से कुल्ला कर लेना है या फिर नॉर्मली थोड़ा सा ब्रश कर लेना है आपको, और आप देखेंगे जो है 2 से 3 दिन के अंदर आपके छाले जो है परमानेंटली ठीक हो जाएंगे और आगे होने की संभावना भी कम हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है आप एक दिन में लगभग 2 बार कर सकते हैं। नंबर सेवन, टमाटर का जूस। आपको रोज सुबह खाली पेट उठ करके टमाटर का 1 ग्लास जूस पीना है। ऐसा आप करेंगे तो इससे जो है 2 से 3 दिन के अंदर आपके छाले पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। नंबर एट, बनाना। आपको 1 बनाना जरूर खाना है, इससे भी आपके छाले जो है परमानेंटली जल्दी ठीक हो जाएंगे। नंबर नाइन, नारियल पानी। आप रोज सुबह और शाम को 1-1 नारियल पानी पिए और इससे देखेंगे आपके छाले तो इससे ठीक होंगे ही, साथ ही साथ आपके पेट में जो गर्मी है वो भी ठीक हो जाएगी। तो वैसे तो रेगुलरली भी आपको अपनी डाइट में जो है नारियल पानी इंक्लूड जरूर करना चाहिए और इससे देखेंगे कि आपके छाले जल्दी ही ठीक हो जाएंगे परमानेंटली। नंबर 10, एप्पल साइडर विनेगर या फिर सेब का सिरका। आपको 1 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका लेना है और 1 ग्लास नॉर्मल पानी के अंदर उसे मिक्स करके फिर उससे कुल्ले करने हैं। ये कुल्ले आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके छाले जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और साथ ही साथ आगे होने की जो संभावना है वो भी कम हो जाएगी। तो मेरी ऊपर बताई हुई जितनी भी होम रेमेडीज हैं उससे आपके छाले तो इंस्टेंट ठीक होंगे ही, साथ ही साथ वो परमानेंटली जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको जो छाले हैं वो हुए 2 से 3 महीने हो गए हैं तो ऐसे टाइम पे आपको ये होम रेमेडीज काम नहीं आएंगी। उस टाइम पे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ये छाले किस कारण से हुए हैं वो कारण जानना चाहिए और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपको जो छाले हुए हैं वो नॉर्मल है, मतलब 2 से 3 दिन हुए हैं छालों को, तो ऐसे टाइम पे मेरी बताई हुई होम रेमेडीज को आप यूज कीजिए और उससे आपको इंस्टेंट राहत भी मिलेगी, साथ ही साथ ये छाले परमानेंटली भी ठीक हो जाएंगे। इसके लिए आपको डॉक्टर को जाकर के दिखाने की जरूरत नहीं है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल रहेगा और आपके छालों में भी आपको बहुत राहत मिलेगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इनकी पूरी जानकारी मिले।
तो ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।